हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में ही होंगे। तो आज हम बनाएंगे गार्लिक नान। जी हाँ, बिना तंदूर बिना अवन के घर में हम बनाएंगे अपने गैस पे गार्लिक नान, जो बहुत ही बिल्कुल ढाबा वाला फ्लेवर आपको देगा। तो फटाफट दाल मखनी बनाइए, शाही पनीर बनाइए या कोई भी सब्ज़ी बनाइए और इस नान का मज़ा लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप मैंने मैदा डाला है, थोड़ा एक टेक्सचर आने के लिए। और उसके बाद हम इसका एक डो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो इसमें डालेंगे। तो डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, जितना आपको पसंद है। और मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी जो 1 पिंच होता है ना उतना आपको बेकिंग सोडा डालना है इसमें। और 1/2 चम्मच ही मैंने इसमें शुगर डाला है, इससे फर्मेंटेशन में ना बहुत हेल्प मिलती है और हमारा आटा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और उसके बाद इसमें हमें डालना है घी। जी हाँ, घी डालने से ना बहुत ही अच्छा मोइन, इसका जो खस्तापन आता है ना वो घी से ही आता है। आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं मोइन के लिए। तो अब ड्राई जितने भी चीज़ें हमने डाली ना उसे अच्छे से पहले आटे में हमने मिक्स कर दिया। और उसके बाद हमने इसमें डाला है 2 चम्मच यानी बड़ा चम्मच दही का डाला है। और उसके बाद हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। तो इसका जो आटा हम तैयार करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होता और बहुत नरम भी नहीं होता। तो हल्का सा नरम यानी जैसे आप आलू के पराठे के लिए आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होगा ये आटा। तो इसे अच्छी तरह हम बहुत 5 से 10 मिनट तक एकदम मसल मसल कर इसका आटा तैयार करेंगे। तो जितना देर हम इसको मसलेंगे ना उतना ही हमारा आटा जो है ना वो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। अब इस आटे को ना 2 से 3 घंटे के लिए हमें किसी कपड़े से ढककर बिल्कुल रख देना है ताकि आटा जो है अच्छे से फर्मेंट हो जाए हमारा। तो किसी गीले कपड़े से या कोई भी आपके पास कवर जो भी होगा उससे ढककर आप 2-3 घंटे के लिए आटे को रख दीजिए। अब 2 से 3 घंटे बाद हमारा आटा जो है ना बिल्कुल फर्मेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा ड्राई आटा यूज़ करके हम इसको बेलेंगे। तो बिल्कुल भटूरे का आटा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेक्स्चर इसका कुछ हो जाता है। तो आटे को निकालने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा डालकर एक बार फिर से हम इसे स्मूथ कर लेंगे और इसकी इक्वल पार्ट्स में जो है नान के लिए हम गोलियां काट लेंगे। और उसके बाद गोल जैसे आप इनर साइड की तरफ इसको करके और इसका पेड़ा आपको बना लेना है। तो जितने बड़े आपको नान चाहिए ना बिल्कुल उतनी ही बड़ी बॉल्स जो है आपको बना लेनी है इसकी। और जब भी कोई नान या कुलचा हम बनाते हैं ना तो उसके जो पेड़े होते हैं ना वो पहले से ही बनाकर रख लेने चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा आपका जो कुलचा या नान जो भी आप बना रहे हैं ना वो बहुत ही जैसा आपको टेक्सचर चाहिए सॉफ्ट बिल्कुल वैसा ही बनता है। अब हमें एक पेड़ा लेना है इसका और थोड़ा सा सूखा आटा ज़रूर लगा दीजिए वरना ये चिपकेगा। जो भी आप सरफेस यूज़ कर रहे हैं, चकला या कोई भी फ्लैट सरफेस आप जो यूज़ कर रहे हैं, तो आप जैसा भी शेप देना चाहें। मैं इसको एक ओवल शेप यानी बोट वाला शेप जो होता है ना वो दे रही हूँ। और यहाँ मैंने गार्लिक थोड़े से बिल्कुल छोटे छोटे चॉप करके रखे हैं और हरा धनिया काट लिया है। तो पहले मैं गार्लिक इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स होती है ना वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है नान के साथ। जब ऊपर से हम बटर डालते हैं तो थोड़ा चटपटा और थोड़ा धनिया का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो इस तरह आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। और ऊपर से मैंने इसमें रोलिंग पिन चला दी है ताकि जो हमारा हमने धनिया वगैरह डाला है ना गार्लिक वगैरह वो अच्छे से इसमें चिपक जाए। और अब इसको पलट के हमें इसमें पानी लगाना है। जी हाँ, जब भी हम इसको तवे पे डालेंगे या कोई भी जो पैन आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी किस पे भी जो आप जिस पे आपको नान बनाना है ना,
तो या कुकर यूज़ करते हैं कई लोग, तो उस पर भी नान बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह आपको पलट कर और बहुत ही अच्छे से आपको पानी इस पर पूरा अच्छे से लगाना है ताकि वो पूरी तरह से चिपक जाए। अगर कहीं भी पानी नहीं लगेगा तो वो तवे से चिपकेगा नहीं, और जब हम पलट कर इसे सेकेंगे तो वो गैस के ऊपर गिर जाएगा। तो इसलिए पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह पानी लगा लें और आपका तवा या पैन जिस पर भी आपको इसको बनाना है उसे गर्म करने के लिए रख दें, और जब वो बिल्कुल तेज़ गर्म होना तो हमें इसके ऊपर ये नान डालना है। तो मैं जो ये नान है ना वो पैन पे बना रही हूँ, तो मेरा ये स्टील का पैन है और इस पे बहुत अच्छे से जो मैं नान बना रही हूँ चिपक जाएगा, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। क्योंकि तवा कई बार नॉनस्टिक होता है और उस पे जो हम आटा ये जो नान डालते हैं ये चिपकता नहीं है, तो इस तरह इसे डाल दिया मैंने और ये बहुत अच्छे से चिपक गया। और थोड़ी देर बाद देखिए इस तरह बबल्स आने लग जाते हैं, इसका मतलब नीचे से सिकना शुरू हो चुका है हमारा नान। तो अब हम इसे पलट कर और गैस पे बिल्कुल अच्छे से सेक लेंगे। और इस तरह पैन में सेकने से ये फ़ायदा होता है कि बिल्कुल तंदूर के जैसा इसका जो पूरी हीट मिलती है ना इसको, क्योंकि ये फ्लैट नहीं है तो पूरी हीट जो है ना चारों तरफ से बिल्कुल बंद रहती है और पूरी तरह से नान में आती है, तो नान जो है और भी अच्छा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह आप एक बार ट्राई करके देखिए और बहुत ही ईजीली आप इसे बना पाएंगे, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा ऐसे बनाना। और जो भी पैन या तवा आप यूज़ कर रहे हैं ना उसको चारों तरफ से हिला हिला कर यानी हीट जो है या फ्लेम जो है वो पूरी तरह नान में पहुँचे, इसलिए तवे को आपको हिलाते रहना है। तो ये देखिए मेरा नान बिल्कुल तैयार है बनकर। और आपको और ज़्यादा बर्न फ्लेवर चाहिए तो और अच्छे से इसको गैस पे भी सेक सकते हैं, ताकि और अच्छे से आपको जो एक कई लोगों को पसंद होता है ना बिल्कुल करारा नान या करारी रोटियाँ, तो आप एक बार गैस पे भी इसे सेक सकते हैं। तो ये देखिए हमारा नान बिल्कुल करारा नान ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे, और बटर को आपको जो है ना रगड़ना नहीं है, नहीं तो आपने जो गार्लिक वगैरह और धनिया वगैरह डाला है ना वो निकल जाएगा। तो आपको बस बटर को जो है ऐसे ही टैप टैप करके लगाना है। और ये देखिए मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, और बिल्कुल वही टेक्सचर है जो हमें तंदूर वाली नान का मिलता है ना, बिल्कुल वही वाला इसका टेक्सचर है। तो देर क्यों कर रहे हैं आप, फटाफट बना ही डालिए अब नान घर पर, वो भी बिना तंदूर के बिना ओवन के, किस तरह आप गैस पे आसानी से बना पाएंगे। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।